एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही इजी सा रेमेडी लेकर। और आज का रेमेडी हमारे बालों के लिए है। अगर अभी तक आपके बाल टूटना झड़ना बंद नहीं हुए हैं, इनफैक्ट कई बार तो मौसम बदलने से या फिर पानी बदलने से, शैम्पू बदलने से और ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो आज का नुस्खा आप ज़रूर आजमा सकते हैं। इस नुस्खे से आपके बाल पहली बार से ही 80% तक टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। मतलब आप अगर पहले अपने बालों को इस तरह हाथ लगाते थे तो वो ढेर सारे आपके हाथ में आते थे, अब अगर आप पहली बार इस नुस्खे को आजमाते हैं तो ऐसा करने से आपके हाथ पे आपके बाल टूटकर नहीं आएंगे। उम्र आपकी कुछ भी है, आप इसको आजमा सकते हो। आप मेन हैं, वुमेन हैं, ये नुस्खा आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बालों में जगह जगह गोल गोल गंजेपन के पैचेस बन गए हैं, जैसे कि अधिकतर लोग कहते हैं कि सिर पर कीड़ा चल गया है, बाल उस जगह से बिल्कुल उड़ गए हैं। मैंने भी आपके साथ एक बार एक अपना पिक शेयर किया था, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी जिसको एलोपेशिया बोलते हैं। तो अगर आप उस चीज से भी जूझ रहे हैं तब भी ये नुस्खा बहुत कारगर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहली बार लगाने से आपके उस जगह पे बाल उग जाएंगे, नहीं, लेकिन लगातार अगर रेगुलर आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। आपको आपके उन पैचेस पे बाल उगते नजर आएंगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों को मैंने बहुत यूज किया है। तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे है। आज का जो मैं ये रेमेडी बनाऊंगी वो बनाऊंगी अदरक से। अदरक यानी जिंजर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको गंजेपन से भी आज़ादी दिला सकती है। इसके रेगुलर यूज़ से आपके टूटते झड़ते बालों से तो आपको आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी, गंजेपन से भी आज़ादी मिलेगी। इनफैक्ट जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इतना बड़ा टुकड़ा जिंजर का ले लीजिए और इसे कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस इस तरह से मैंने कर लिया। हमें बेसिकली जिंजर का जूस चाहिए, तब आप इसको हाथों पे लेके इस तरह निचोड़िए, इसका जूस आ जाएगा। 1 से 1.5 चम्मच के करीब मुझे अदरक का जूस चाहिए, जो कि सफिशियंट है एक बार के लिए। और बेटर रहेगा कि जब भी इसको लगाना हो फ्रेश निकालें। अब इसमें ऐड कीजिए कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे पहले 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी जो कि वाकई बहुत ज़रूरी है बालों की, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, वो है कैस्टर ऑयल। सिर्फ एक नारियल तेल या सिर्फ कोई एक तेल से नहीं होगा। इसको आप अगर यूज़ करते हैं, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ये बालों की स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। और ये इतना थिक होता है कि आप इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसलिए इसको मैंने नारियल तेल के साथ मिक्स किया है। और मैंने ये 2 चम्मच डाला है, और फिर भी ये जो पैक, ये जो मैं बना रही हूँ हेयर ऑयल, ये इतना थिक हो गया है कि ये अभी भी देखिए पूरे बालों में कम्प्लीटली नहीं लग पाएगा, और काफ़ी थिक बन गया है, एक सिरम की तरह बन गया है। तो इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं और मैं इसमें फिर से नारियल तेल और ऐड करूंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैस्टर ऑयल कितना ज्यादा थिक होता है। टोटल मैंने 5 चम्मच नारियल तेल डाला है और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाला है। अब ये बेस्ट है अपनी जड़ों पे अप्लाई करने के लिए। और अब देखो आप कितना अच्छा एक सिरम जैसा बना है। जिंजर में इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगा लेते हो हेयर वॉश करने से 1 घंटा पहले, तो मैं गारंटी देती हूँ पहली बार से ही आपके बाल झड़ना 80% तक कम हो जाएंगे, इनफैक्ट बंद हो जाएंगे। इधर उधर जो बाल हमेशा गिरते रहते थे, टूटते रहते थे, उससे आपको आज़ादी मिलेगी। जिन लोगों के भी सिर में राउंड राउंड पैच बन रहे हैं गंजेपन के, एलोपेशिया हो रहा है, उससे आज़ादी मिलेगी। बस आपको इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। और ये कोई नया नुस्खा नहीं है कि मैं जिंजर का जूस निकाल के अप्लाई कर रही हूँ और कह रही हूँ कि इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे, नहीं। ये तो साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है कि जो जिंजर जूस है वो बरसों से लोग अपने बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, और इससे ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों में डैंड्रफ, इचीनेस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। पूरी तरह लगा लीजिए, बालों को इस तरह टाई कर लो लंबे हैं तो, उसके बाद इसको 1 घंटा अपने बालों पर ज़रूर लगे रहना है, और किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करिएगा। उसके बाद आप खुद पहली बार से फ़र्क देखेंगे कि आपके बालों में टूटने झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी।
होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, नुस्खा आसान लगा होगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राई करके देखिए। मैंने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस की है, गंजेपन की शिकायत फेस की है। अगर आप भी मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते लाइक ज़रूर देते जाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।